हेलो दोस्तों, पॉइंटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त लकी। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पे बिल्कुल सही देख रहे हो। आज हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं और दोस्तों इंग्लिश में मैं आपको सबसे पहले टेंसेस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों हम लोग जो इंग्लिश की जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं दोस्तों, पहले हम टेंसेस पढ़ेंगे, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। और जब हम टेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके होंगे तो ऑलमोस्ट दोस्तों 50 से 70% हमें इंग्लिश आ चुकी होगी, यानी कि हम बोलना तो सीख ही चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, इतना तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप टेंसेस कर लोगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लोगे तो आपको एक बेसिक इंग्लिश का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि किन चीज़ों पर इंग्लिश के जो भी वर्ड्स हैं, वो जो भी चीज़ें हैं, जो भी ग्रामेटिकल रूल्स हैं, वो सब घूम रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम टेंसेस। तो दोस्तों टेंसेस पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि दोस्तों जो इंग्लिश ग्रामर में जो होते हैं दोस्तों, दो तरह के नंबर होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि हिंदी में बोलते हैं जैसे एक वचन बहुवचन, तो दोस्तों वैसे इंग्लिश में भी एक वचन बहुवचन होता है। यहाँ पर एक वचन को सिंगुलर कहते हैं, ठीक है, और बहुवचन यानी कि प्लूरल, प्लूरल जो होता है वो होता है बहुवचन। यानी कि मैं आपको हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज क्योंकि आपको हिंदी से रिलेट करना आसान रहेगा, बिकॉज अगर आपको हिंदी आती है तो यू कैन इजीली रिलेट विद इट, है ना, आप आसानी से उसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी नहीं समझाने वाला क्योंकि जिस बंदे को इंग्लिश आती ही नहीं तो वो इंग्लिश को इंग्लिश में कैसे समझेगा, है ना। तो मैं आपको इसको लोकल लैंग्वेज में ही समझाने वाला हूँ, लेकिन वर्ड्स यहाँ पर जो होंगे वो इंग्लिश के होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया है, क्या बताया मैंने, मैंने कहा कि यहाँ पर दो तरह के क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे पास वचन होते हैं ना हिंदी में, तो यहां पर सिंगुलर होता है और प्लुरल होता है, एक वचन और बहुवचन। ठीक दोस्तों, अच्छा सिंगुलर अगर कोई मैं है, अगर मैं का मुझे प्लुरल बनाना हो तो क्या होगा, वी होगा, आई का वी, यू का यू ही रहता है। ठीक है, यहां पर यू का यू ही रहता है। अगर बात हो रही है ही की, शी की, इट की, तो दोस्तों ये होगा, यहाँ पर दे की बात हो जाएगी। ही शी इट अगर सिंगल है, लेकिन वहाँ पर अगर दो लोग जा रहे हैं तो एक बंदा जा रहा होगा तो मैं कहूँगा ही इज़ गोइंग, लेकिन अगर दो या तीन लोग जा रहे होंगे तो मैं कहूँगा दे आर गोइंग। यानी कि यहाँ पर सिंगुलर से प्लूरल हम उसको बनाएंगे दे लगाकर। ठीक है, तो आपको ये दो ये चीज़ें समझ लेनी है। अब मैंने आपको सिर्फ यही चीज़ें क्यों समझाई, क्योंकि टेंस में दोस्तों यही चीज़ें इस्तेमाल होने वाली है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ ये बताया, क्योंकि आई का प्लूरल जो है वो वी होगा, यू का प्लूरल यू ही होगा, और ही शी इट ही का भी दे, सी का भी दे और इट का भी दे, यहां पर प्लुरल होगा। ठीक है, और दोस्तों इंग्लिश में तीन तरह के पर्सन होते हैं, तीन तरह के लोग होते हैं। अभी तीन लोग कौन होते हैं, क्या आप इनको जानते हो? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल जानते हो। अभी कौन होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मीन्स व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, मैं अपने आप में क्या हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। ठीक है, आप अपने आप में क्या हो, आप फर्स्ट पर्सन हो। ठीक है, अब मान लो हम दोनों, आप और मैं आपस में बात कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को आई बोलूँगा और आपको क्या बोलूँगा, यू बोलूँगा, तो मेरे लिए आप सेकेंड पर्सन हो गए और आपके लिए मैं सेकेंड पर्सन हो गया। आप ये बात समझ गए होंगे कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन कौन है। जैसे आप और हम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं हूँ और ये आप हो। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं अपने आप को आई बोलूंगा, मैं अपने आप को फर्स्ट पर्सन बोलूंगा, तो जब मैं अपने बारे में बात करूंगा तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। ठीक है, लेकिन जब मैं आपके बारे में बात करूंगा तो आप कौन से पर्सन हो, आप सेकंड पर्सन हो। उसी तरह आप अगर अपने बारे में कुछ बोलोगे तो यू आर फर्स्ट पर्सन, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मी तो इसका मतलब मैं हो गया सेकेंड पर्सन। ठीक है, चलो ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन सेकेंड। फर्स्ट पर्सन हर बंदा अपने आप में होता है और सेकेंड पर्सन सामने वाला, यानी कि जो उसके सामने है और जिसके साथ वो बात कर रहा है। अब थर्ड पर्सन कौन हुआ दोस्तों, दोस्तों उसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। थर्ड पर्सन वो होता है जिसकी हम बुराई करते हैं। आप ऐसे समझ लो कि हम दोनों यहाँ पर है तो एक तीसरे व्यक्ति के बारे में हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ बुरा बोल रहे हैं, कुछ अच्छा बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं ना, तो मतलब तीसरे व्यक्ति के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कौन हो गया, वो थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बोलूँगा आई एम फाइन, मैंने कहा ठीक है मैं फाइन हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको कैसे बोलूँगा सेकंड पर्सन में, मैं बोलूँगा यू आर फाइन, कि मैं ठीक हूँ आप भी ठीक हो। लेकिन सामने से एक बंदा और कहीं जा रहा था, उसको
वो हमारे साथ नहीं है, वो कहीं और है, तो हमने क्या बोला उसको, ही इज़ फाइन। ठीक है, वो हमारे साथ भी है लेकिन वो हम दोनों से अलग है, यानी कि तीसरा बंदा। तो आप ये समझ गए होंगे कि क्या होता है फर्स्ट पर्सन, क्या होता है सेकेंड पर्सन, क्या होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन का मतलब हमने मैं आपको बता दिया कि आई होता है, मैं अपने आप को फर्स्ट पर्सन मानता हूँ। सेकेंड पर्सन कौन हो गया, जो मेरे साथ बात कर रहा है वो सेकेंड पर्सन हो गया, और वो बंदा अपने आप के लिए फर्स्ट पर्सन और मैं उसके लिए सेकेंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन कौन है, अगर हम दोनों के कन्वर्सेशन के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति का जिक्र आता है तो वो कौन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। अब वो तीसरा व्यक्ति क्या हो सकता है, वो कोई लड़का भी हो सकता है, आपको पता है लड़कों के लिए ही कहते हैं, अच्छा कोई लड़की भी हो सकती है उसके लिए शी यूज़ करते हैं। और अगर ना लड़का ना लड़की, अगर हम किसी जानवर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो इट होता है। ठीक है, उसके उसको हम इट यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे, ये थोड़ा बेसिक ढांचा था, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये तो आप समझ गए हो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, हम टेंसेस पढ़ रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही यहाँ पर बेसिक का काम करेगा। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, देर आर दो नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दो नंबर होते हैं, और तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है, आप अपने आप में थर्ड पर्सन हो। सेकेंड पर्सन कौन है, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो वो सेकेंड पर्सन है। थर्ड पर्सन कौन है, जिसके बारे में आप दोनों बात करोगे वो आपको क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। ओके, तो ये एक बेसिक ढांचा था, देखते हैं आगे। दोस्तों हम बात कर रहे थे टेंसेस की, तो टेंसेस है क्या, दोस्तों वी आर नॉट हेयर टू लर्न द डेफिनेशंस। ओके, मैंने डेफिनेशन सिर्फ यहाँ पर लिखी है, बट हम यहाँ से देखते हैं कि टेंसेस का मतलब क्या होता है ना। मैंने आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ानी, आप उसको बिल्कुल याद नहीं करोगे, आपको बस देखना है कि ये है क्या, बस ठीक है समझना है। तो टेंसेस क्या है, टेंसेस में भी डिफाइन एज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन। यानी कि टेंसेस क्या बताता है, यानी कि हम हिंदी में टेंसेस को कहते हैं काल, काल कहते हैं ना, तो जैसे बोलते हैं भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तो टेंस जो होता है वो काल होता है ना, अब समय चक्र जो होता है काल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करेगी टाइम की, तो काल क्या है, काल तो समय है। ठीक है, हमने कहा ना टेंसेस को कैसे डिफाइन करते हैं, फॉर विच इंडिकेट समय, जो समय दिखाता है, और द स्टेट ऑफ एन एक्शन, यानी कि उस समय पर कौन सा एक्शन हो रहा है, उस समय पर कौन सा इवेंट हो रहा है। जैसे मान लो कोई सो रहा है, मान लो कोई सो रहा है, तो वो टाइम, मान लो कोई 9 बजे सो रहा है, ठीक है, मान लो अभी 9 बज रहा है, तो ये तो समय हो गया, लेकिन सो रहा है तो वो कौन सा एक्शन कर रहा है, उसकी जो एक्शन की अवस्था क्या है, उसकी एक्शन की अवस्था क्या है, सोना, तो सोना क्या है, सोना एक तरह का एक्शन है। ठीक है, वो सो रहा है, ठीक है, कोई काम कर रहा है, तो काम करते हुए क्या वो एक्शन करेगा, बिल्कुल करेगा। सो हमको ये भी पता है कि जिस भी चीज़ में एक्शन हो रहा होता है वर्ब होता है ना, तो यहाँ पर हम स्टेट ऑफ अ वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई एक्शन हो रहा होता है और कोई इवेंट हो रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं टेंस। तो आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे टेंस हम किसे कहते हैं, कि यानी कि टेंस क्या दर्शाता है, टेंस एक तो हमें समय दर्शाता है और उस समय पर होने वाले कार्य को दर्शाता है, उस समय पर होने वाले कार्य की स्थिति को दिखाता है, उसके एक्शन के स्टेट को दिखाता है। ठीक है, ये होता है टेंस। अब टेंस देखो, मैंने कहा ना टेंस के अंदर टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि टाइम ऑफ एन एक्शन, उस वक्त कौन सा एक्शन हो रहा है, और स्टेट ऑफ एन एक्शन, यानी कि समय और अवस्था, कि किस अवस्था में हो रहा है, कि मैं कोई काम कर रहा हूं, जैसे ही इज सिटिंग, अब उसकी अवस्था क्या है, वो बैठ रखा है ना, वो सिटिंग है, वो एक अवस्था है। ठीक है, तो वो उसका एक्शन है कि वो बैठा हुआ है, वो उसका एक एक्शन है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, स्टेट ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन यानी कि टाइम होना, और उस वक्त कौन सा एक्शन वो कर रहा है, इसको बोलते हैं हम टेंस, यानी कि किस समय पर हम कौन सा काम कर रहे हैं, या किस समय पर कोई कौन सा काम कर रहा है, कुल मिला के ये हुआ टेंस की बात। ठीक है, ओके, तो अब टेंस में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर टेंस की बात करेंगे, क्या टेंस में क्या आता है। देखो यहाँ पर कौन सा फंक्शन वो कर रहा है, हमने कहा ना फंक्शन क्या है, स्टेट ऑफ एक्शन है, यानी कि उस वक्त कौन सा एक्शन कर रहा होगा, तो उसके एक्शन कितने हो सकते हैं, हैबिचुअल फंक्शन हो सकता है, यानी कि वो रोज़ अगर ऐसे काम कर रहा हो, हैबिचुअल मतलब उसकी आदत हो सकती है वो करने की, वो हैबिचुअल हो सकती है, जैसे आई राइट लेटर्स रेगुलरली, देखो हर बार रेगुलरली मतलब उसकी हैबिट है कि वो लिखता है, आई राइट, अच्छा मेरी हैबिट है, आई राइट लेटर्स रेगुलरली, मैं लगातार पत्र लिखता रहता हूँ, वो मेरी हैबिट है। ठीक है, प्रोग्रेसिव फंक्शन, अब प्रोग्रेसिव क्या होता है, प्रोग्रेसिव मतलब जो अभी भी चल रहा है, आई एम राइटिंग अ लेटर, ये सब मैं अभी आपको समझाऊंगा, आप अभी कंफ्यूज मत होइए इसको देख के, मैं दिस आई हैव गिवन ओनली जस्ट फॉर टेकिंग एन एग्जांपल है ना, सिर्फ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। प्रिसीडिंग फंक्शन मतलब क्या हुआ, जो थोड़े देर पहले वो काम खत्म हो चुका है वो प्रेजेंट फंक्शन हुआ। टाइम एक्सप्रेशन, ऐसे फंक्शन जो किसी टाइम के बारे में बोध कराता है, जैसे आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर सम टाइम, यानी कि कुछ समय से मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, यानी कि एक एक्शन हो रहा है और उसमें टाइम की बात भी हो रही है कि कितने समय से मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो होता है कि मैंने सीधे बोल दिया
कि आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन यहाँ पर टाइम की बात नहीं हुई है। लेकिन एक एक ये होता है कि आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से अपना काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, सुबह से टाइम की बात आई ना। तो इस तरह के जो भी टाइम एक्सप्रेशन आएगा, प्रीसीडिंग फंक्शन आएगा, प्रोग्रेसिव फंक्शन आएगा और हैबिचुअल फंक्शंस आएंगे। तो दोस्तों इस तरह के चीज़ें हमने यहाँ पढ़नी है। तो चलिए अब इनको ये तो बहुत बेसिक था, मैंने आपको टेंसेस के बारे में समझाया और कैसे कैसे हम आगे इसको इस्तेमाल करने वाले हैं उनके बारे में समझाया। दोस्तों आज हम सिर्फ एक ही टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, और उसमें हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा और सबके आंसर्स मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से, ठीक है, ओके। तो प्रेजेंट टेंस जो है दोस्तों, इसको हम कहते हैं क्या, वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान स्थिति क्या है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में अभी आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो, ठीक है, तो वो प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट का मतलब यहाँ कितने टेंस होंगे, एक होगा सिंपल प्रेजेंट, इसको हम प्रेजेंट इनडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। बस आप इनको मत समझिए, आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। हम समझते हैं यहाँ से कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। दोस्तों ये टेंस जो हैं, इन टेंसों में हम कुछ वर्ड्स डिनोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हैबिट की बात हो रही होती है, जो हमारी आदत हो रही होती है, रिपीटेड एक्शन यानी कि जो हम काम अक्सर करते हैं वो होगा, कोई परमानेंट फंक्शन है, ठीक है। हैबिट मतलब मेरी हैबिट है कि मैं रोज़ 10 बजे उठता हूँ, ठीक है, तो वो हैबिचुअल फंक्शन होगा। रिपीटेड एक्शन है, मैं रोज़ लेट आता हूँ या राम रोज़ लेट आता है, तो उसकी वो रोज़ वही काम लगातार कर रहा है, उसको बोला गया है कि ये मत कर लेकिन वो रिपीट वही कर रहा है, ठीक है। तो परमानेंट फंक्शन, परमानेंट फंक्शन क्या है, जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये परमानेंट फंक्शन है क्या, ये परमानेंट काम कर रहा है, तो यहाँ पर वो बात आ जाएगी। यहाँ पर और बात आ जाएगी किसी एक्टिविटी की, परमानेंट एक्टिविटी की बात आएगी। जनरल ट्रूथ, बिल्कुल जो सच्चाई हो, जो बिल्कुल सच्चाई हो। अब सच्चाई क्या है, द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, ये सच्चाई है, तो बिल्कुल ये कभी बदलेगी नहीं। तो दोस्तों जो भी इस तरह के, जो भी इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं वो किस टेंस में आते हैं, तो होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल मतलब एक क्लास वन के बच्चे से लेकर एक कॉम्पिटिशन तक का बंदा इस चीज़ को समझ सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मतलब हम लोग क्या दर्शाते हैं, हैबिट होती है कि दिख दर्शा रहे होते हैं, कोई चीज़ लगातार हम कर रहे हैं वो दर्शा रहे होते हैं, परमानेंट एक्शन दिखा रहे होते हैं। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आप समझ जाओगे, परमानेंट एक्टिविटी, जनरल ट्रूथ, ठीक है, मैंने आपको बताया ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। अब देखो इसको समझने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला बनाया है, फॉर्मूला क्या है समझने के लिए, देखो मैंने कहा था इंग्लिश में 3% होते हैं, तो दोस्तों ये रहे हमारे 3%, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैंने कहा था दो नंबर होते हैं तो सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, क्योंकि इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, या तो हम सिंगुलर होगा या हमारे पास प्लूरल होगा। और नंबर तीन होते हैं, या तो मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर हम दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे होंगे, तो वो थर्ड पर्सन हो गया, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर मैंने आपको दो तो नंबर होते हैं और 3 पर्सन होते हैं, ठीक है। अब इनको समझते हैं ये क्या है। तो देखो, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सिंगुलर। तो देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और मैं सिंगुलर हूँ, मैं दो नहीं हूँ, मैं एक ही हूँ, तो मैं सिंगुलर हूँ। तो मैं कहूँगा आई गो, मैं बोलूँगा आई गो, यानी यहाँ पर मैंने वर्ब लिया है गो, ठीक है, वर्ब लिया मैंने गो। आप गो की जगह राइड, कुछ भी, कोई भी वर्ब ले सकते हो, ठीक है। वर्ब इज अ वर्ड विथ शोस सम एक्शन। वर्ब क्या होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो दिखाता है कि वो कुछ एक्शन कर रहा है ना। तो यहाँ पर जाना एक एक्शन है, तो वर्ब, तो यहाँ पर बोलो आई गो, मैं जाता हूँ। अगर मैं इसी चीज़ को प्लूरल प्लूरल में बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, वी गो। इसका मतलब क्या है, हम जाते हैं। यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही, यहाँ पर सिर्फ मेरे बारे में बात हो रही, ठीक है, अभी फर्स्ट पर्सन में आ गया, ठीक है। अब सेकेंड पर्सन की बात करते हैं, यू गो, तुम जाओ, तो सेकंड पर्सन का प्लूरल भी यू ही होता है। यहाँ पर तुम जाते हो और तुम जाते हो, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर तुम जाते हो, तुम जाते हो, ठीक है। अगर आप क्या कह रहे हो, आप किसी को बोलोगे कि तुम मार्केट जाते हो, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे डू यू गो टू मार्केट, ठीक है, आप बोलोगे, या आप बोलोगे तुम मार्केट जाते हो, यू गो टू मार्केट, आप ऐसा बोलोगे, ठीक है, यू गो मार्केट, आप ऐसा बोलोगे। दोनों यहाँ पर सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल, यू का प्लूरल यू ही होता है, ठीक है। कुछ लोग समझते हैं कि यू का प्लूरल यूअर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यू का यू ही होता है, ओके। अब आते हैं, हम बात कर रहे हैं किसी तीसरे आदमी की। अब बना ही सी इट गोज, अब ध्यान रखिए, देखो यहाँ गो था, यहाँ गो था, यहाँ पर भी गो था, यहाँ पर भी गो था, लेकिन जब थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आ गया, गोज आ गया। बस यही चीज़ हमें समझनी है, यही चीज़ हमें समझनी है। अब जैसे मैं कहूँगा मैं बाजार जाता हूँ, तो मैंने कहा आई गो टू मार्केट, ठीक है। अगर मैं कहूँगा तुम बाजार जाते हो, तो होगा यू गो टू मार्केट। लेकिन मैं कहूँगा राम बाजार जाता है, तो दोस्तों राम किस में आ गया, राम आ गया दोस्तों थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन कौन है, क्योंकि राम तो ना मैं हूँ ना तुम हो, राम तो कोई तीसरा बंदा है, तो ही
गोज आएगा, ही गोज़ टू मार्केट आएगा, क्योंकि मैं राम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो राम गोज़ टू मार्केट या ही गोज़ टू मार्केट, अगर मैं उसको प्रोनाउन कर दूँ तो राम की जगह ही आ जाएगा, है ना, ही गोज़ टू मार्केट। यहाँ गोज़ लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। लेकिन फिर अगर तीन चार लोग मार्केट जा रहे होंगे तो मैं कहूँगा दे गो टू मार्केट, लेकिन फिर से अब यहाँ गो नहीं आएगा, अब यहाँ दे गो टू मार्केट आएगा, यहाँ गो ही आएगा, ठीक है, यहाँ पर गो ही आएगा। तो देखिए दोस्तों, जो भी हमने अभी तक पढ़ा था मैं उसको आपको फिर से समझाता हूँ। हमने बात की थी फर्स्ट पर्सन के लिए आई गो, ठीक है, अब मैं कहाँ जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, तो इसका मतलब हुआ कि मैं बाजार जाता हूँ। दोस्तों ध्यान रखें ये किस में है, ये हम बात कर रहे हैं सिंपल सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट की, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी आप ना जो भी आप रेगुलर चीज़ें करते हो, जैसे आप बाजार ते हो, तो देखो अभी मैं आपको समझाता हूं, जिस वर्ड के लास्ट में ता ते ती ये सब चीजें आ रही है ना, देखो जाते हो जाता हूं, ये सब चीजें जिस वर्ड के अंत में आ रही हैं दोस्तों, वो सब क्या होंगे, वो सब मैंने कहा सिंपल प्रेजेंट होंगे, आपको इससे समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे मैं कहता हूं आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ, लेकिन फिर मेरे साथ कोई और भी जाते हैं तो हम दोनों हो गए, अब वी गो टू मार्केट, तो हम बाजार जाते हैं, तो जाता ता हूँ ते हैं, ता हूँ ते हूँ, जो भी शब्द ता हूँ से आएगा, आप कुछ भी करते हो, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, तो आई ईट फूड, आई ईट फूड, ठीक है, हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड, वी यहाँ पर ईट, आप यहाँ पर जाने की जगह कोई भी वर्ब लगा सकते हो, और वर्ब मुझे उम्मीद है वर्ब तो आपको पता होगा ना, नहीं भी पता होगा तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सही सीखेंगे, उसमें हम समझ जाएंगे। फिर आते हैं सेकेंड पर्सन में, यू गो टू मार्केट, तुम बाजार जाते हो, तो यू गो टू मार्केट, मैंने आपको बताया था कि तुम का तो सेकेंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होता है, ठीक है। फिर ही सी इट, देखो यहाँ पर मैंने कहा था गोस आता है, सी गोज टू मार्केट, वह बाजार जाती है, अगर यहीं पर मैं बात कर रहा होता कि किसी लड़के की, तो यहाँ पर क्या होता, ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है, लेकिन अगर मैं बात करता किसी थर्ड किसी अच्छा वो ईट वाला तो जाएगा नहीं ना, ठीक है, तो यानी ईट गोस टू मार्केट, ये भी हो सकता वो, ठीक है, तो यहां पर हो सकता था, लेकिन हम ईट को तो ईट तो कभी जाएगा नहीं, तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब अगर दे गोस, अब दे के साथ गोस नहीं लगेगा, यहां पर कुछ गलत हो गया, दे के साथ लगेगा सिर्फ गो, ठीक है, दे के साथ गो लगेगा, दे गो टू मार्केट, ठीक है, यहां पर क्या होगा, दे गो टू मार्केट, ठीक। तो दोस्तों ये जो चीजें थी ये मैंने आपको, अब ये क्या था, ये ना सिंपल प्रेजेंट टेंस था, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप सिंपल प्रेजेंट में बोल रहे हो, क्या बोलना है आपको, क्या करना है, आपने वीडियो देख ली, आपको सिंपल प्रेजेंट से ना 50-60 सेंटेंस बना लेने हैं अभी बिल्कुल, इफ़ यू आर सीरियस, इफ़ यू आर रियली गोना बी सीरियस इन लर्निंग इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, अगर आपको बिल्कुल भी बोलनी नहीं आती है, तो मैं कह रहा हूँ ना, आपको गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल आपको आ जाएगी, आप आज ही कम से कम सिंपल प्रेजेंट से 50 सेंटेंस बना लीजिए। किस तरह से, जैसे मैं बता रहा हूँ आई गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट, ऐसे तरह से, ठीक है। और हिंदी में जब उसका आप अनुवाद करोगे कि क्या होगा, जैसे मैं बाजार जाता हूँ, तो सिंपल से सेंटेंस होगा मैं आई गो टू मार्केट, आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हो उसमें, ठीक है। आपको 50 सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है, फिर मुझे आपको भेजना है, मुझे आप व्हाट्सएप पे भेजिए, तो अगर आपको सीखना है तो बिल्कुल मैं आपको सिखाऊंगा, मुझे आप व्हाट्सएप में भेजिए कि मैंने ये बनाया है, मैं आपको चेक करके वापस करके दूंगा उसमें अगर कोई गलती हुई तो, ठीक है। दोस्तों इसका रूल क्या है, इसका रूल ये होता है, वैसे तो आपने सब कुछ सीख लिया, बट एक रूल समझते हैं कि किस रूल से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉर्म करते हैं। देखो गोल्डन रूल क्या है, ऑल पर्सन नंबर्स आर फॉर्म बाय यूजिंग V1। अब दोस्तों V1 क्या है, V1 है वर्ब की पहली फॉर्म, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी पर्सन हैं, सब में हम क्या लगाएंगे, वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। अब वर्ब की पहली फॉर्म कैसे लगाई मैंने, ये देखिए दोस्तों, यहां पर हमने वर्ब की पहली फॉर्म लगाई, गो गो गो, सब में गो लगाया, वर्ब की पहली फॉर्म। अब वर्ब यहां पर मैंने गो लिया है, आप दुनिया में कोई भी वर्ब उठा लो वो यहां पर आ जाएगा, दुनिया में कोई भी वर्ब, गो कम राइट रीड रन कुछ भी लिख लो, ठीक है, तो बस वही हो जाएगा, ठीक वही हो जाएगा। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि मैंने ये भी बताया है कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा वहाँ पर V1 के साथ ES लग जाएगा, बस क्या लग जाएगा, V1 के थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म बाय V1 प्लस ES। जैसे मैं कहा था थर्ड पर्सन सिंगुलर राम गोज, सी सीता गोज, ES लग जाएगा, ठीक है, बस। अब देखो हिंदी में कैसे, किसी शब्द के अंत में अगर ता हूँ ते हैं अगर आता है, जैसे जाता हूँ जाते हैं जाते हो जाती है, या खाता हूँ खाते हैं खाते हो, लिखता हूँ लिखते हैं लिखती है, तो इस तरह के वर्ड्स आगे, बस आपको ये वर्ब नहीं देखना, आपको देखना ता
देखो ता ती ते ये सब चीज़ें जो है अगर किसी सेंटेंस के अंत में ये आ रहे हैं तो दोस्तों सिंपल प्रेजेंट है और वो इट्स वेरी इजी टू स्पीक। अब आपको शायद सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ मालूम हो चुका होगा। जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंस बता देता हूँ, जैसे हम बोलते हैं वी राइट लेटर, हम पत्र लिखते हैं, ठीक है। सी राइट्स, अब यहाँ राइट्स आ जाएगा, क्यों? सी कौन है? सी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, वहाँ पर मैंने कहा था ना, सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वहाँ पर जो भी वर्ब होगा उसमें ई एस लग जाता है, ये तो मैंने आपको बताया था। अच्छा, वे पत्र लिखते हैं, दे राइट लेटर, अब यहाँ एस नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, वे आते हैं, दे कम, वहाँ कम, जहाँ भी ते हैं, ता हैं, तू हैं, दोस्तों जो चीज़ आप रोज़ कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, रोज़ कर रहे हो, हैबिचुअल जो आपकी है, वहाँ पर ये लगता है। जैसे आप बोलते हो कि मैं स्कूल जाता हूँ, क्या बोलोगे? आई गो टू स्कूल। मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस। मैं रोज़ खाना खाता हूँ, मैं रोज़ खाना खाता हूँ, आई ईट फूड एवरी डे, ठीक है। अब यहाँ रोज़ खाना की रोज़ की बात आ गई, तो यहाँ पर आपने एवरी डे भी लगा दिया। तो दोस्तों मतलब बहुत सिंपल से सेंटेंस, तभी तो नाम है सिंपल प्रेजेंट। क्यों नाम है सिंपल प्रेजेंट? बहुत ही सिंपल चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। जैसे मैं यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ, मैं यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ, तो क्या होगा? आई मेक वीडियो ऑन यूट्यूब, है ना, आई मेक वीडियो ऑन यूट्यूब। लेकिन अगर राम यूट्यूब में वीडियो बनाता है तो राम मेक्स वीडियो ऑन यूट्यूब, अब यहाँ ऐसा आ जाएगा, क्यों? क्योंकि राम थर्ड पर्सन है, उसके सिवा बाकी जितने भी होंगे वो नहीं है दोस्तों, वो नहीं होंगे। तो दोस्तों ये था बहुत सिंपल सा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब दोस्तों इस पर मैंने आपके लिए एक 5 क्वेश्चन की सीरीज रखी है, अभी आप क्वेश्चन को देख लीजिए, बाद में जब मैं अंत में इन सबके आंसर्स बताऊंगा। देखो, बसेस डैश ऑन दिस रोड एवरी ईयर। बसेस, दोस्तों बसेस कौन है? बसेस मैं है? नहीं है। आप हो? नहीं है। तो फर्स्ट पर्सन तो नहीं है, सेकंड पर्सन भी नहीं है, तो बसेस कौन हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। अब थर्ड पर्सन में भी हमें ये देखना है क्या सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो दोस्तों ये प्लूरल है, बसेस लगा है, तो बसेस में दोस्तों यहाँ पर रन है, तो आप खुद सोच लीजिए कि यहाँ क्या होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर एप्पल्स है, कितने एप्पल की बात हो रही है? एप्पल ना तो मैं हूँ ना तुम हो, ये कौन है? ये तीसरा है कोई, है ना। तो एप्पल्स एस लगाया है तो ज़्यादा एप्पल हैं, तो यहाँ पर गेट है वर्ब, वर्ब गेट है, तो गेट का क्या होना चाहिए आपको ये समझना है, ठीक है। मीना, मीना एक लड़की है, डैश ऑन द स्टेज, मीना कौन है? मीना मैं तो नहीं हूँ, तुम भी नहीं हो, तो मीना थर्ड पर्सन है, क्योंकि हम दोनों के सिवा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम अदर पर्सन एंड दैट पर्सन इज कंसिडर टू बी द थर्ड पर्सन, ओके। एंड सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, सो व्हाट इज द फॉर्मूला वी हैव, व्हाट हमारे पास क्या है यहाँ पर लगाने को? यहाँ पर डांस है, तो डांस का क्या होता है? मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको बिल्कुल भी आंसर नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आंसर्स हम लास्ट में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद द लास्ट बस नॉर्मली डैश एट मिडनाइट। अब लास्ट बस नॉर्मली, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पर? लास्ट बस की बात हो रही है, फिर वही बस कौन है? मैं है या यू है? मैं यू तो नहीं है, तो कौन है आप समझ? मैंने जानबूझ के ये दिया है ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। ही डैश डिनर एट 8 PM। अब देखो यहाँ पर ही की बात हो रही है, ही कौन है? ही थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर हैव यानी नॉट हैव लिखा है, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो आपको ये बताना है और मैं अंत में इन सबके आंसर्स आपको बताऊंगा, अभी आपने ये देख लिया होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है ना, बहुत ही मज़ेदार टेंस, और अक्सर जिसको भी इंग्लिश सीखने का चस्का लगता है वो यहीं से शुरू करता है। अब होता क्या है, जैसे हम बोलते हैं इस टेंस में होता क्या, चलो समझते हैं। दिस टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन इन प्रोग्रेस, ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये तो छोड़ो आप, ये तो बोलने की बात है कि देखो, तो मतलब कुल मिला के ये है कि जब मैं जो काम मैं अभी कर रहा हूँ, यानी कि जिस वक्त में जो चीज़ बोल रहा हूँ उस वक्त भी वो काम हो रहा है, यानी कि मैं मान लो अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका मतलब अभी मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? आई एम मेकिंग अ वीडियो, ठीक है। तो मैंने यानी कि आई एम डूइंग सम एक्शन हेयर एंड आई एम स्टिल डूइंग दैट एक्शन वेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट, यानी कि जब मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ तो स्टिल आई एम डूइंग दैट एक्शन, ठीक है। यानी कि कोई भी बंदा जब वो काम कर रहा होता है और काम करते करते वो बात बोलता है कि मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि उस वक्त भी काम कर रहा है। मैं खाना बना रहा हूँ, यानी कि वो खाना बना रहा है उस वक्त भी खाना ही बना रहा है जिस वक्त वो बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर बात ये नहीं है कि कब से शुरू किया, वो भी पढ़ेंगे कब से शुरू किया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात यह है कि मैं खाना बना रहा हूँ, ठीक है। आप समझ गए होंगे, हम पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि अभी जब हम ये बात कह रहे हैं तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आपका प्रेजेंट क्या होगा? यू आर वॉचिंग वीडियो, अभी आप वीडियो जो काम अभी हो रहा है, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ओके। तो यहां पर दोस्तों कैसे बनता है ये भी समझ लेते हैं। फोइप आपको पता है 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है। फर्स्ट पर्सन यहां पर आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। अच्छा, पहले मैं थोड़ा रूल बता देता हूं आपको, आपको इसका रूल समझा देता हूं, उसके बाद हम आएंगे। रूल क्या होता है दोस्तों, यहां पर ऑल पर्सन एंड नंबर्स आर फॉर्म बाई
यूजिंग इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी. वी वन मैंने आपको बताया था वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म. वर्ब की तीन चार फॉर्म होती है, आपको पता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आई एन जी फॉर्म, ई एस फॉर्म, है ना, बहुत सारी फॉर्म होती हैं, ठीक है, जिसको हम बाद में वर्ब जब पढ़ेंगे उस वक्त समझेंगे, ठीक है. तो गोल्डन रूल क्या है, यहाँ पर इज लग सकता है, आर लग सकता है या एम लग सकता है, ठीक है, ये मैं भी आपको बताऊंगा किसके साथ क्या लगता है. और वी वन प्लस आई एन जी, वी वन यानी कि अगर गो होगा तो गो के साथ लगेगा आई एन जी, तो गोइंग बन जाएगा ना, ओके. और क्या है यहाँ पर, वाक्य के अंत में, वाक्यों के अंत में हा हो. हा हो क्या हो गया, हो हे हो. ये कोई जादू टोने का मंत्र नहीं है दोस्तों, ये है, ठीक है, क्या है ये, मैं काम कर रहा हूँ. देखो रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, हा हूँ आ गया, तुम काम कर रहे हो, देखो हे हो आ गया, ठीक है. सीता बाजार जा रही है, तो यहाँ पर ही है भी आ जाएगा, रही है, जब कि थर्ड पर्सन के लिए मतलब रही है हो जाएगा, ठीक है. तुम जा रहे हो, अभी जा रहा है, जब मैंने बोला उस वक्त जा रहे, तो हे हो भी आ गया, है ना दोस्तों, इस तरह से, ठीक है. राम राम जा रहा है, तो ये रहा है, थर्ड पर्सन की बात होगी, ठीक है. तो इस तरह से दोस्तों ये जो सेंटेंस आपके पास आएंगे उनके बारे में यहाँ पर बात होगी, ठीक है. तो आप समझ गए होंगे, तो मैंने कहा अंत आता है और तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है. जो भी काम हाँ है, हे हो, हा हूँ, हे, ये कोई मंत्र नहीं है, ये बस आपको समझने के लिए मैंने कर रखा है, ठीक है. तो चलिए अब आते हैं, अब हम क्या पढ़ रहे थे, हम बात कर रहे थे, ओके, फर्स्ट पर्सन. सो व्हेन वी आर टॉकिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्ट पर्सन, तो आई के साथ हमेशा एम आता है, ये आपको पता होगा, ठीक है. तो आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा था ना जो मैं प्रेजेंट में कर रहा होता हूँ, तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है. वी आर गोइंग, अब मेरे साथ कोई और भी है तो हम दोनों बोल के हम जा रहे हैं, ठीक है. फिर सेकेंड पर्सन में क्या होता है, यू होता है, तो तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो. थर्ड पर्सन में ही सी इट गोइंग, वो जाती है, वो जाता है, ठीक है, नहीं सॉरी, वो जा रही है और वो जा रहा है, तो दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं. तो दोस्तों यहाँ पर आपने देख लिया होगा, जहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं वहाँ पर तो आर लगेगा, मैंने को बताया था यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, यहाँ पर प्लूरल है, दो या दो, तो आर लगेगा, ठीक है. अपने साथ, आई के साथ हमेशा एम लगता है, और ही शी इट के साथ हमेशा इज लगता है. बस ये रूल आप देख लीजिए कि मैं राम के बारे में बात करूँगा कि राम डैश गोइंग, तो यहाँ पर इज लगेगा, राम आर दी लगेगा, राम एक ही है, ठीक है. उसी तरह आई डैश गोइंग, तो आई इज गोइंग भी नहीं होगा, आई आर गोइंग भी नहीं होगा, आई एम गोइंग होगा, ठीक है. हो सकता है ये वीडियो जिनको इंग्लिश आती हो उनको थोड़ी सी लगे कि यार ये क्या पढ़ा रहा है, बट दोस्तों मैं 100% बोल सकता हूँ, दोज हु आर बिगिनर्स ना, दिस इज गोइंग टू बी 100% बूस्टर्स फॉर यू, ओके. तो आप बने रहिए, बहुत 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 ज़्यादा आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा, ठीक है. तो आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या बताया. अब देखो यहाँ पे सेंटेंसेस देख लेते हैं, हमने जो सेंटेंसेस बनाए हैं. आई एम गोइंग टू स्कूल, मैंने कहा था ना मैं स्कूल जा रहा हूँ, देखो हा हूँ, रहा हूँ, ठीक है. अब मैंने यहाँ पर गोइंग लगाया, आपकी मर्जी, आप गोइंग मत लगाओ, आप कोई दूसरा फल यहाँ कमिंग लगा दो, आई एम कमिंग. अब यहाँ टू था तो फ्रॉम हो जाएगा, स्कूल से आ रहा हूँ, या टू भी हो जाएगा, आई एम कमिंग टू स्कूल, मैं स्कूल आ रहा हूँ, ठीक है. वी आर गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पर रीड भी लिख सकते हैं, वी आर रीडिंग बुक. अब यहाँ वी आर रीडिंग टू स्कूल तो नहीं होगा ना, हम स्कूल को पढ़ नहीं सकते ना, तो वी आर रीडिंग बुक हो सकता है, ठीक है. अभी क्या कर रहे हैं, हम वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, तो वी तो क्या होगा, वी आर वॉचिंग वीडियो, दो लोग मिलकर भी, तो वी आर, तो हम स्कूल जा, हम वीडियो देख रहे हो सकता है, तो वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं. तो इंग्लिश मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा हमें उसके बारे में पता हो जाए और उसके बाद हमारी पढ़ने की हैबिट बन जाए, और वो मैं बाद में सिखाऊंगा किस तरह से आपको फ्लुएंसी पकड़नी है, ठीक है. मैंने जो किया मैं आपको वो बता रहा हूँ कि मतलब मुझे कैसे, मतलब होता है ना कि आपको इंग्लिश तो आती है, आपको आता है, आपको टेंस पता है, आपको वर्ब्स पता है, आपको सब कुछ पता है, बट अगर जहाँ बोलने की बात आई आप चुप, मतलब कोई आपसे एक सेंटेंस पूछ दे, आप सोचिए यार मतलब कैसे बोलूँ, आपको लगता तो है अंदर से कि मतलब आई नो बहुत कुछ मुझे आता है, बट आपको स्पीकिंग का ज्ञान नहीं होता है. क्यों, बिकॉज यू हैवन हर्ड दोज वर्ड्स, यानी कि आपने वो वर्ड्स ना बार बार नहीं सुने होते हैं. अब आप कैसे सुनोगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा, किस तरह से ये इंग्लिश आपको बोली जाती है, अगर आपको सब कुछ आता है, स्पीकिंग कैसे तेज़ करनी है, राइटिंग कैसे तेज़ करनी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, बस बने रहना है आपको बस, ओके. तो यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है. ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह जा रहा है, ठीक है. दे आर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे हैं, ये तो आपको पता है. अब तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि दे का मतलब वे होता है, ही का मतलब वह होता है, तुम हो गया, वी का मतलब हम हो गया, ये तो आपको पता ही है, ठीक है. अब आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है, अब आप ये समझ गए. अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है तो मेरी बात हो रही है, अगर सेकंड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है तो तुम्हारी बात हो रही है, अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात हो रही है तो मेरे साथ कोई एक और बंदा बैठा हुआ है, हम दोनों की बात हो रही है, ठीक है.
तो इस तरह से आपको समझना है। अगर थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो सिंगुलर, यानी कि वो बंदा हमारे सामने नहीं है, और चार लोग एक साथ जा रहे हैं तो हम तो उनको जानते नहीं, तो हम उनको बोलेंगे दे। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये बात। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या सीखा, हमने वो सीखा कि जो चीज़ अभी हमारे साथ घटित हो रही है और उसी वक्त हम उस चीज़ का वर्णन करते हैं, तो वो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब सिर्फ उसी वक्त तक रहता है जिस वक्त तक मैं उस बात को बोल रहा हूँ। ठीक, ओके, तो ये तो मैंने आपको बताया था जनरल रूल क्या होता है कि वी वन वी वर्ब की पहली फॉर्म प्लस इज एम आर, इज कहाँ लगता है, इज मैंने आपको बताया था, एम कहाँ लगता है बताया था लास्ट में जिस वाक्यों में। अब फिर से आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पर 50 सेंटेंस लिखने हैं इसी से। और दोस्तों कोई बात नहीं, आप गलत लिखो, दोज हु आर बिगिनर्स, आई एम टॉकिंग टू देम, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो बिगिनर्स हैं, मुझे आप लिख के भेजिए, मुझे आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, आप मुझे कमेंट कीजिए कि नंबर दीजिए उस, अगर रियली इफ यू वॉन्ट टू लर्न, अगर आपको सीखना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में, मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, और आपको मुझे क्या करना है व्हाट्सअप करना है उसको लिख के, सो दैट आई कैन इंप्रूव, ताकि मैं आपको वहीं से इंप्रूव कर सकूं कि अच्छा आपने ये गलत लिखा है, इसको इस तरह से कीजिए। ठीक है, तो चलिए अगला टेंस। अच्छा यहाँ पर, हाँ दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ है, प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है कुछ चीज़ें यहाँ पर बदलती नहीं है। जैसे क्या नहीं बदलती है, जैसे दोस्तों यहाँ पर जैसे हमने कहा ना कि ये यहाँ पर कंटिन्यूअस होता है, प्रोग्रेसिव होता है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर नॉन प्रोग्रेसिव भी होती है। जैसे हम बात कर रहे हैं जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, यानी कि हम किसी को परसेप्ट करते हैं, जैसे हम किसी को देखते हैं तो टेस्ट करते हैं, ठीक है, स्मेल करते हैं, हेयर सुनते हैं, तो सुनने को देखो, इन इन चीज़ों को देखना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये इनमें इनमें कभी इनमें आईएनजी कम लगता है, इनमें आईएनजी नहीं लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये प्रोग्रेसिव नहीं होती। जैसे जैसे मान लो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल्स दोस्तों आप इसको पढ़ लीजिएगा, वैसे ये मैंने थोड़ा मतलब कॉम्पिटिशन लेवल के हिसाब से डाला हुआ है, अगर आप बिगिनर हो तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, जैसे देखो अगर आप बोलते हो कि जैसे कोई बोलता है कि ही इज़ ओनिंग अ कार, यानी कि ओन का मतलब होता है पोजीशन, पोजीशन आपके पास कुछ है, ही इज़ ओइंग अ कार, उसके पास कार है, तो वो ओइंग आईएनजी नहीं होगा, आईएनजी इसमें नहीं होगा, वो कंटिन्यूस नहीं है, उसके पास कार है तो है, तो क्या होता है, ही ओन्स अ कार, अब ओन्स आ गया। अब ये मत समझना कि इसमें एस आ गया तो ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट इसलिए होगा क्योंकि ये परमानेंट एक्शन है। सिंपल प्रेजेंट क्यों हो गया, अभी ये आता है प्रेजेंट में भी, कंटिन्यूअस में भी, अभी परमानेंट एक्शन है। मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट में समझाया था कि जो भी परमानेंट एक्शन होंगे वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही आएंगे, तो ही ऑन सकार दोस्तों ये हो गया। दूसरा देखो, वी आर हियरिंग द बेल, अब देखो हम लोग अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं, वी आर हियरिंग द बेल, हमें घंटी सुनाई दे रही है, नहीं, हम बोलते हैं वी हियर द बेल, ठीक है, उस वक्त वी हियर द बेल, ठीक है, तो ये होगा। अच्छा, आई एम नॉट हेटिंग हिम, आई एम नॉट हेटिंग हिम, ठीक है, तो ये होगा आई डोंट हेट हिम, यहाँ पर इस तरह के वर्ड्स आएंगे, ध्यान रखिएगा। आर यू फॉरगेटिंग माई नेम, देखो यहाँ पर फॉरगेटिंग माई नेम, क्या तुम मेरा नाम भूल रहे हो, तो हैव यू फॉरगेटन माई नेम, तो दोस्तों कभी कभी इस तरह का यूज़ होता है, मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर द बिगिनर्स, ये उनके लिए हैं, दोस्त हुआ प्रिपेरिंग फॉर सीजीएल लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, ये भी मैं बताऊँगा इनके बारे में, ये भी सारे रूल्स होते हैं, ये भी मैं बताऊँगा, बट टुडे द सेशन इज ओनली अबाउट किसके लिए है, ये दिस इज ओनली फॉर द बिगिनर्स, बिगिनर्स प्लस थोड़ा बहुत जिनको अभी तक थोड़ा बहुत पता तो है कि टेंसेस क्या होते हैं, बट एक्चुअली दे डोंट इवन नो कि मतलब इज एम आर, मतलब चीज़ें कहाँ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, उनके लिए है। तो ये मैंने बस ऐसे ही डाल दिया था, आप इसको देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत आपको इसे समझ में आ जाएगा, अगर नहीं भी देखते हो तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कीजिए, ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों ये मैंने एक्सरसाइज डाल रखी है आपको, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था वहाँ पर हमने एक एक्सरसाइज डाली थी, अब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा तो यहाँ पर भी एक एक्सरसाइज है, ठीक है। सी डैश, अब देखो क्या होगा, नॉट वर्किंग होगा, अब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आपको ये समझना है, अगर आप ये 5 के 5 क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब आपने अभी तक का सब कुछ सीख लिया है, आप इसको देख लीजिए, मैं आपको लास्ट में इसके आंसर्स बताऊंगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर है सी डैश फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर, यहाँ लीव है तो लीव से आपको कुछ बनाना पड़ेगा जिसमें ये कंटिन्यूअस बन जाए, ठीक है। व्हाट यू डैश एट प्रेजेंट, यहाँ पर रीड है और यहाँ पर रीड है, दोनों में रीड आएगा, तो इस तरह का आपको कुछ बताना है कि वर्ड की ये सिंपल प्रेजेंट बना है, व्हाट यू डैश एट प्रेजेंट, व्हाट आर यू रीडिंग एट, कुछ ऐसा हो सकता है ना, आप सोचिए इसको, मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको, मैं इसके आंसर्स आपको लास्ट में समझाऊंगा, क्योंकि अभी आपको ये अभी ट्राई कीजिए, अभी वीडियो पॉज कीजिए, कोई बात नहीं, अभी ट्राई कीजिए इनको, आप आंसर लिख लीजिए और लास्ट में सबके आंसर्स आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले टेंस में अपने, दोस्तों हमारा अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर देखो दोस्तों, जैसा नाम है ना वैसे काम है, जैसे बात हो रही थी पहले सिंपल, तो बहुत सारे सिंपल सिंपल चीज़ें थी, फिर बात हो रही थी कंटिन्यूअस की, तो एवरीथिंग व्हाट एवर वी आर डूइंग वो दैट वॉज गोइंग ऑन कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस में जा रहा था, ओके। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ एवरीथिंग व्हाट एवर इज डन That have been done perfectly, वहाँ पर क्या होगा, जो भी हम कर चुके हैं वो perfectly हो चुका होगा, यानी कि perfect का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ बोली है,
उस बोलने से पहले ही वो काम खत्म हो चुका है। जैसे कंटिन्यूस में क्या था, जिस वक्त आप बोल रहे थे उस वक्त भी वो काम चल रहा था, लेकिन परफेक्ट में क्या होगा, यानी कि आप काम तो पास्ट में कर चुके हो लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट में आप बोल रहे हो, अभी बोल रहे हो। जैसे कि आपने बोला आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, आपने कहा अभी अभी मैंने अपना काम खत्म किया, यानी कि आपने अभी अभी काम खत्म किया, जस्ट काम खत्म होते ही आपने वो बात बोली है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों परफेक्ट टेंस, यानी कि आपने कोई चीज़ परफेक्टली की है और परफेक्ट मतलब परफेक्टली फिनिश हो गया। ओके तो यहाँ पर देखो फिर वही बात आ गई, द टेंस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट प्लस पास्ट, मतलब वही मैंने जो आपको समझाया स्पीकिंग यहाँ पर, मतलब एक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है पास्ट में लेकिन इंप्लाइज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द प्रेजेंट। ठीक है ठीक है, ये हम समझ गए, इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स यूज होते हैं सेंटेंस को बताने के लिए, जहाँ जैसे हम लोग बोल गए एवर, जैसे हम यहाँ पर बोलेंगे सेंटेंस हमारा सेंटेंस हमारा जैसे एवर, जस्ट, रिसेंटली, टिल, येट, ऑलरेडी, सो फॉर, लेटली, बिफोर, बाय द टाइम, आफ्टर, तो इस तरह के वर्ड्स को हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को डिनोट करने के लिए, वो मैं अभी सेंटेंस बताऊंगा उस पर हम इनको डिनोट करेंगे। ठीक है, अच्छा रूल क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर रूल ये है कि ऑल द पर्सन नंबर आर फॉर्म बाय यूजिंग हैव प्लस वी थ्री। यहाँ पर क्या होगा, हैव प्लस वी थ्री, यानी जैसे हम वहाँ पर पहले बोल रहे थे ना कि हम लोग यूज़ कर रहे थे इज एम आर प्लस वी वन, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या करना हैव प्लस वी थ्री, जैसे आई हैव डन। अब वी थ्री क्या होता है, जैसे मैंने कहा था वी वन वर्ब की पहली फॉर्म थी, अब वी टू वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, ठीक है, जैसे डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन, है ना, बीच वाली पास्ट होती है, तीसरी वाली जो होती है पास्ट पार्टिसिपल होती है, ठीक है, तो इस तरह के तीन फॉर्म होते हैं बेसिकली वर्ब के, लेकिन हम लोग उसको कभी पाँच बना देते हैं, कभी आठ बना देते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम किस किस फॉर्म को ले रहे हैं, है ना, ये भी बताऊंगा जो हम जब वर्ब पढ़ेंगे तब मैं आपको ये सबको समझाऊंगा। तो वी थ्री यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म। अब जैसे गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पर गॉन की बात करते हैं, जैसे अब मैंने कहा आई हैव गॉन, ठीक है, राम हैज गॉन, तो यहाँ पर रूल तो आपको समझा गया हैव वी थ्री क्या है, ठीक है। और थर्ड पर्सन, फिर से वही थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए बता गई, वहाँ पर हैज़ लगेगा, हैज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर में, याद रखिए सब जगह थर्ड पर्सन सिंगुलर में कुछ बदलाव आ रहा है, ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में यहाँ पे क्या लगेगा, हैज आएगा, कैसे आएगा मैं बताऊंगा। अब मैंने जैसे कि आपको बताया यहाँ पर हम सेंटेंस को इम्प्रूव करने के लिए अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जस्ट, आई हैव जस्ट फिनिश द वर्क, आई हैव ऑलरेडी फिनिश द वर्क, एवर लगा सकते हो, सो फार, येट, टिल, ठीक है, ये सब चीज़ों को आप यहाँ पर सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये आपको यही तो बोला कि आपको सेंटेंस लिखने हैं और मुझे बताने हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और सही है या गलत है। ओके तो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, वही बात, ये तो आपको आ गया, फर्स्ट पर्सन, आई हैव सीन, सीन मतलब देखा, मैंने देखा, सीन मतलब जैसे आई हैव सीन, आपने कुछ भी देखा है, तो किसी ने आपसे पूछा कि आपने देखा, हाँ आई हैव सीन, आपने देखा है, यानी कि समथिंग दैट हैड हैपन इन पास्ट बट द इम्पैक्ट इज इन प्रेजेंट, यानी कि समवन इज आस्किंग अबाउट दैट एक्शन विच हैड ऑलरेडी फिनिश इन पास्ट बट इम्पैक्ट उसका अभी तक है, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट परफेक्ट। ओके सो जैसे आई हैव सीन, वी हैव सीन, हमने देखा, यू हैव सीन, तुमने ये देखा, मतलब देख रहा भी नहीं है, देखता हूँ भी नहीं है, देखा, आप समझे वर्ड को, ठीक है। उसके बाद ही सी इट हैज सीन, ही सी इट के साथ हैज लगेगा, देखो बिल्कुल जैसे बताता है दे हैव सीन, ठीक, यहाँ पर हैव लगेगा, तो बस अब क्या सीन, देखो आई हैव सीन दैट मूवी, देखो आई हैव सीन दैट मूवी, ठीक है, मैंने वो मूवी, आई हैव सीन दैट, मैं वो मूवी देख चुका हूँ, यानी कि आप वो मूवी देख चुके हो, यानी कि खत्म हो चुका है, तो आई हैव सीन दैट, मैं वो मूवी देख चुका हूँ, अच्छा यहाँ पर वो भी आएगा, मैं वो मूवी, क्योंकि दैट की बात हो रही है ना, तो दैट का मैं वो मूवी देख चुका हूँ, तो आई हैव सीन दैट मूवी, ठीक है। उसके बाद वी हैव सीन दैट मूवी, तो हम वो मूवी देख चुके हैं, हम वो मूवी देख चुके हैं, यहाँ पर वी की बात आएगी, कि यू हैव सीन दैट मूवी, तुम वो मूवी देख चुके हो, तो यहाँ पर भी होगा तुम वो मूवी देख चुके हो। ही सी इट हैज सीन दैट मूवी, ठीक है, अब देखो ही सी इट के साथ क्या आ गया, सीन हैज आ गया, ये हैज अलग आ गया, तो वो मूवी देख चुके हैं, वह मूवी देख चुका, जैसे वह मूवी देख चुके हैं नहीं, जैसे यहाँ ही होगा तो ही के बारे में होगा, राम मूवी देख चुका है, सीता मूवी देख चुकी है, ठीक है, इस तरह से होगा, दे हैव सीन दैट मूवी, वे मूवी देख चुके हैं, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गलत है टाइपिंग में, कि ही चुके नहीं होगा, वो मूवी देख चुका है, राम मूवी देख चुका है, राम वो मूवी देख चुका है, क्या, या राम, राम हम ये बोल सकते हैं राम हैज गॉन, राम जा चुका है, ठीक है, आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, हर वर्ब का क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म, राम हैज डन, राम ने, राम हैज डन वर्क, राम हैज डन हिज वर्क, राम हैज डन हिज होमवर्क, राम ने अपना होमवर्क, राम होमवर्क कर चुका है, यानी कि मैंने जैसे उसने काम किया उसके बाद वो बात बोली है, ठीक है, तो यानी कि देखो मैंने आपको पहले क्या बताया, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम रेगुलर करते हैं वो तो हो गया प्रेजेंट में, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अभी अभी कर रहे हैं वो होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम
पास्ट में कर चुके होते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी तक होता है। दोस्तों एक होता है सिंपल पास्ट, वो मैं आपको पास्ट में सुनूंगा, वो तो पास्ट में किया और पास्ट में ही खत्म हो गया और अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो बात आ रही है जो कि मतलब अभी भी खत्म हुआ है, जैसे आई हैव जस्ट सीन दैट मूवी, मैंने वो भी अभी देखी है, जस्ट फ्यू डेज बिफोर, कुछ दिन ही पहले। मतलब इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं दोस्तों, ये जो वर्ड्स है या वो इस तरह के सेंटेंसेस जो है दोस्तों सिंपल प्रेजेंट में आते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर वर्ड क्या होते हैं, का चुका हूँ, चुके हैं, चुके हो, तुम खाना खा चुके हो, ठीक है। यहाँ जितने भी वर्ड इस तरह के आएंगे, यानी कि ऑलरेडी आपने वो काम खत्म कर चुका होगा, तो इस तरह के बढ़ाएंगे। यानी कि वर्ड्स कितने तरह से शुरू होते हैं, या तो मैं से शुरू होगा, या तुम से शुरू होगा, या कोई तीसरा पर्सन से शुरू होगा, दैट्स इट, है ना। तो आपको बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं, फिर वही बात जैसे मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ आपको कि मुझे भेजने हैं, फिर मैं आपको उसका आंसर दूंगा। सो दोस्तों ये है आपकी एक्सरसाइज, आपको ये एक्सरसाइज पूरी करनी है। इन द मूवी वी जस्ट, देखो यहाँ जस्ट आ गया, सी द मूवी एक्स्ट्रॉर्डनरी सीन। अब सी का क्या बनता है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म बनेगा सीन, ठीक है। अब आप समझिए कि ये सी जस्ट से पहले आएगा या जस्ट के बाद आएगा, ये आप जानो, ठीक है। आपको ये बस ट्राई करना है, नहीं आएगा कोई बात नहीं, एट द एंड मैं आपको सारे आंसर्स बताने वाला हूँ, ठीक। दिस इज़ द बेस्ट बुक आई एवर, ये भी आपको बताना है। हाउ लॉन्ग यू डैश हिम, ये भी आपको बताना है। देयर आर नो टैक्सीज बिकॉज द ड्राइवर्स, यह भी आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद पांचवा है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। आपको सबको बताना है, ड्राइवर्स आर ऑन स्ट्राइक, ये सब कुछ है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको समझना है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोस्तों ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। यहाँ पर क्या होता है, इस टेंस में कोई एक्शन आपने पास्ट में शुरू किया और अभी भी वो चल रहा है, ठीक है, अभी भी वो चल रहा है। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था, हमें ये नहीं पता था कि एक्शन कब से हो रहा है, यानी कि हमें पता था कि जैसे मैंने कहा आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर टाइम के बारे में बात नहीं था, लेकिन यहाँ पर टाइम के बारे में बात होती है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है द एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बहुत पास्ट में एक्शन शुरू हुआ है और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है जब आप बोल रहे हो, और पता नहीं है कब तक कंटिन्यू होता रहेगा। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि परफेक्टली, देखो प्रेजेंट भी है और परफेक्ट भी, यानी कि पहले का भी है। परफेक्ट में क्या था, सिर्फ पहले का था, प्रेजेंट में क्या था, अभी का था। यहाँ पर दोनों चीज़ है, पहले का भी है और अभी का भी, यानी कि पहले से ही काम करते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गोल्डन रूल क्या है, गोल्डन रूल है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट समझिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ऑल पर्सन नंबर फॉर्म बाय हैव बीन, हैव प्लस बीन पक्का आएगा, प्लस वी वन आएगा, वी वन के साथ आई जी आएगा, या साथ में आप सिंस लगा सकते हो, फॉर लगा सकते हो, थ्रू आउट लगा सकते हो, ऑल अलॉन्ग लगा सकते हो, ये हेल्पिंग वर्ब हैं, इनको आप यहाँ पर लगा सकते हो, जैसे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब थे, है ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी आप हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हो, जैसे हैव बीन भी हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इन सबको आप लगा सकते हो। हैव बीन हो गया, हैव बिन तो लगाना है, ये तो लगेगा। आई हैव बिन वर्किंग सिंस तक तो लगेगा। अब सिंस की जगह फॉर लगाओ, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का सेंटेंस है, जैसे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर हैज लगेगा किसकी जगह, हैव की जगह, वो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता रखा है। चलिए देखते हैं कैसे। ओके, देखो पर्सन, सबसे पहले पर्सन की बात आ रही है, तो यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट पर्सन में। आई हैव बिन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से वॉकिंग कर रहा हूँ, ठीक है। वी हैव बिन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ये भी क्या, सुबह से वॉकिंग, हम सुबह से वॉकिंग कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर वॉकिंग की जगह आप राइटिंग लिख सकते हो, हम सुबह से लिख रहे हैं, यानी कि आप सुबह से आपने शुरू किया एक टाइम, आपने जरूर नहीं सुबह बोलना, आप एक टाइम बोल दो, सिंस इतना पीएम, इतना एएम, आप टाइम भी बोल सकते हो कि इतना बजे से मैं लिख रहा हूँ। यू हैव बिन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, अब जरूरी थोड़ी ना मॉर्निंग से, आई हैव बिन मेकिंग वीडियोस इन यूट्यूब सिंस लास्ट मंथ, इसका मतलब क्या, पिछले महीने से मैं यूट्यूब में वीडियोस बना रहा हूँ, तो इसका मतलब समझ गया आप कि पिछले महीने से बना रहा हूँ, तो वो भी एक क्या हो गया, मैं तब भी बना रहा था एंड स्टिल आई एम मेकिंग वीडियो एंड आई विल बी कंटिन्यूइंग, मुझे नहीं पता कब तक बनाऊंगा, लेकिन मैंने एक टाइम बता दिया कि मैंने इधर से शुरू किया था और अभी भी वो चल ही रहा है ना, तो बिल्कुल। और तीसरे में आएगा देखो, इट हैज़ बिन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से चल रहा है, राम सुबह से चल रहा है, ठीक है। और दे हैव बिन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल, जैसे सीता हैज़ बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, अब देखो सीता सुबह से सो रही, स्लीपिंग क्या है, स्लीपिंग एक्शन है, उसके वर्ब का एक एक्शन है, ठीक है। और सीता हैज़ बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, सीता सुबह से सो रही है, तो हैज़ बिन आ गया, ठीक है। मैंने कहा था ना हैज़ आएगा, बिन आएगा, ठीक है, स्लीपिंग और सिंस भी आएगा। उसके बाद इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, देखो सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से हो रही है, अब नहीं पता कब तक होगी, क्या पता सुबह से हो रही हो, क्या पता इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस 10 PM, 10 बजे से हो रही हो, 10 AM से हो रही हो, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस लास्ट मंथ, या इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस 2 years, जैसे इट हैज़ बिन लॉकडाउन
सिंस 3 मंथ, 3 महीने से लॉकडाउन चल ही रहा है, तो इस तरह की चीज़ें हम बता सकते हैं जो कि जो अभी भी कंटिन्यू में है और एक एक पास्ट में किसी समय से शुरू हुई है। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे हैव बिन लिविंग इन देहरादून सिंस 1999, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, वो 1999 से देहरादून में रह रहे हैं। अब देखो कब 1999, आज से 21 साल पहले की बात हो रही है, लेकिन वो देहरादून में रह रहे हैं, तो क्या होगा, वे 1999 से देहरादून में रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा होगा। ठीक, तो दोस्तों जिन वर्ड्स में लास्ट में वही फिर वही बात आ गई, रहा है, हे हैं, ही हैं, इस तरह के वर्ड्स आएंगे, कंटिन्यूअस की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, द एक्शन हैज स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इट इज कंटिन्यूइंग, तो इस तरह के एक्शन को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 4 टेंस। ठीक है, अभी इसके मैं एक्सरसाइज बताता हूँ आपको, ये भी एक एक्सरसाइज है। ठीक है, सी डैश मी सिंस 2004। अब सी डैश में दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मैंने आपको इसमें मैंने पता 2 चीज़ डाल रखी है, इसमें मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी डाल रखा है। अब यहाँ पर आपको समझना है, सी हैज़ बीन नोइंग हो सकता है या सी न्यू हो सकता है, देखो आप क्या हो सकता है, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स ही डैश, देखो ओन मैंने आपको बताया ओन का ओइंग नहीं होता है, मैंने आपको समझाया था ना ओन्स होता है, तो आपको यहाँ पर समझना है, ही डैश इन द सेम क्लास फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। अब देखो पिछले 3 साल की बात हो रही है, 3 साल से कंटिन्यू चल रहा होगा इसका मतलब कोई चीज़, तो इसका मतलब तो ही हैज़ बीन स्टडिंग, ही के साथ हैज आएगा, है ना, अभी आप कर लीजिए इसको, फिर मैं आंसर बताता हूँ। चलो आपने उम्मीद है कर लिया होगा, चलिए अब मैं आपको शुरू से इनके आंसर बताता हूँ जो भी हमारी सीरीज थी। दोस्तों हमारा जो पहला वाला था ये था, ठीक है, तो जो पहला वाला सीरीज था दोस्तों यहाँ पर मैं आपको आंसर बसेस, देखो दोस्तों यहाँ पर बसेस आ गया, यानी कि यहाँ पर दे वाली बात आ गई ना, बहुत सारी बसेस हो गई, ठीक है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल वाली बात आ गई, तो वहाँ पर दोस्तों रन का रन ही होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पर रन होगा, बसेस की बात है, रन होगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर एप्पल्स हैं, तो एप्पल्स ड्राइव इन अटोमन, तो यहाँ पर क्या होगा, गेट ही होगा, गेट्स नहीं होगा, अगर यहाँ एप्पल की बात होती तो गेट्स होता, अगर एक एप्पल की बात होती तो गेट ही होगा। ठीक है, तीसरा है दोस्तों मीना डैश ऑन द स्टेज, मीना डांस, मीना कौन है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में डांस है, तो डांस की जगह डांसेस, यहाँ आ जाएगा डांसेस, ठीक है, ई एस लग जाएगा। द लास्ट बस नॉर्मली डैश एट मिडनाइट, अब लीव है, बस कौन है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए लीव की जगह लीव्स हो जाएगा, तो लीव की जगह यहाँ पर लीव्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही डैश डिनर एट 8 PM, ही डैश डिनर एट 8 PM, अब उसने ये नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, अब यहाँ पर ही नॉट हैव डिनर ऐसे तो होता नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ही डज नॉट हैव डिनर एट 8 PM, ही डज नॉट हैव डिनर एट 8 PM, उसने 8 बजे डिनर नहीं किया। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा आंसर क्या क्या था, पहला रन, दूसरा गेट, तीसरा डांसेस, चौथा लीव्स और पांचवा डज नॉट हैव। तो चलिए एक्सरसाइज बी वाला को देखते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, सी डैश सी ओके नॉट वर्किंग था, तो यहाँ पर सी इज नॉट वर्किंग, सी इज प्लेइंग चेस, यहाँ पर आएगा एक, यहाँ पर आ जाएगा नॉट इज नॉट वर्किंग, और यहाँ पर आएगा इज प्लेइंग, सी इज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रही, वो चेस खेल रही है, सी इज प्लेइंग चेस। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला है सी डैश फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर, अब देखो सी डैश यहाँ क्या होगा, इज लिविंग, सी इज लिविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर, वो अमेरिका के लिए अगले साल यहाँ से जाएगी, तो लीव का लिविंग। वाई यू डैश एट प्रेजेंट, अब यहाँ पर क्या होगा, वाई आर यू रीडिंग एट प्रेजेंट, फिर होगा आई एम रीडिंग अ पोएम, अच्छा वाई नहीं, वट आर यू रीडिंग एट प्रेजेंट, यहाँ पर क्या होगा, वट आर यू रीडिंग, यहाँ रीड है, दोनों जगह रीड है, तो आर यू रीडिंग एट प्रेजेंट, और यहाँ जो होगा आई एम रीडिंग अ पोएम, यहाँ पर एम रीडिंग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एम रीडिंग और यहाँ पर आएगा आर यू रीडिंग। ओके, नेक्स्ट है वी डैश लंच एट टू टुमारो एज राम डैश नून ट्रेन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, वी आर हैविंग, यहाँ पर हैव है तो हैव का हो जाएगा हैविंग, वी आर हैविंग लंच एट टू टुमारो एज राम इज कैच का कैचिंग, राम इज, राम के साथ इज आता है, राम इज कैचिंग अ नून ट्रेन। ओके, आखिरी है मीना यूजुअली डज द कुकिंग, मीना अक्सर खाना बनाती है, डज द कुकिंग, ठीक है, और आई एम डूइंग इट टुडे, क्योंकि यहाँ पर डू है तो यहाँ पर डूइंग, आई एम डूइंग इट टुडे। ओके दोस्तों, ये हो गए आपके आंसर्स, देखते हैं अगला
एक्सरसाइज सी, यहाँ पर है इन द मूवी, इन द मूवी यहाँ पर वी जस्ट दैट्स द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन, तो यहाँ पर होगा दोस्तों सी है, तो ये थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर क्या लगता है, मैं कहता हूँ हैव लगता है तो, और साथ में जस्ट यूज भी लग जाता है, तो यू वी हैव जस्ट, तो पहले वी हैव जस्ट सीन द मूवी, यहाँ पर वी हैव जस्ट सीन द मूवी, ध्यान रखिएगा क्या लगेगा, वी हैव जस्ट सीन द मूवी, ठीक। तो ये तो हो गया पहला, हैव जस्ट आ गया। दूसरा देखते हैं दोस्तों, इसमें दूसरा क्या है, दिस इज़ द बेस्ट बुक आई एवर डैश यहाँ रीड की बात हो रही है, दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड, हैव एवर आएगा, ठीक है, वी हैव। तो दोस्तों पहले जो हम जो भी वर्ड लगाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कुछ वर्ड्स लगाते हैं उनसे पहले आता है हैव, हैज़ वगैरह, ठीक है, तो आई हैव, आई के साथ हैव आता है, ठीक, ये ठीक है। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग यू डैश हिम, हाउ लॉन्ग यू डैश हिम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम, ठीक है, नो का थर्ड फॉर्म होता है नोन, तो नोन हिम, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम, ठीक है, ओके। हैव तो दोस्तों दो के बाद ही आएगा, मतलब जो भी सब्जेक्ट होता है, अब ये भी बताऊँगा वो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होता है, ये सब आपको बताऊँगा, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर फोर वाला, देयर इज़ नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज द ड्राइवर्स कहाँ डैश गोन ऑन स्ट्राइक लेटली, द ड्राइवर्स कहाँ गए, द ड्राइवर्स हैव गॉन, ड्राइवर्स यानी कि थर्ड पर्सन की बात हो रही है, और यहाँ पर ड्राइवर की बात नहीं, जो ड्राइवर्स की बात हो रही है, तो दोस्तों क्या आएगा, दे वाला आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव गॉन, ठीक। तो लास्ट है हमारे पास विनय डैश द पंक्चर टायर ऑफ द विनय डैश द पंक्चर टायर ऑफ द कार येट, तो विनय यहाँ पर मेंड यानी कि कार के टायर को बनाना, तो विनय हैज़ नॉट मेंडेड द पंक्चर टायर येट। अब मुझे कैसे पता कि येट, दोस्तों जब भी ये येट आता है, टिल आता है, सो फार आता है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए आता है ना, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, तो ये भी हम धीरे धीरे समझेंगे। तो यहाँ पर मैं को कैसे पता लगे नॉट आएगा, तो नॉट दोस्तों यहाँ पर येट था इसलिए नॉट आया कि अभी तक उसने नहीं किया है, अभी तक उसने नहीं किया है ना, सो फार या येट टिल है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो दोस्तों ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। देखते हैं हमारी आज की आखिरी एक्सरसाइज, यहाँ पर देखो पहला है सी हैज़ नोन, यहाँ पर होगा हैज़ नोन मी सिंस 2004, ठीक है। दूसरा होगा फॉर द लास्ट 10 ईयर्स ही, यहाँ हैज़ ओन हिज फैक्ट्री, दिस फैक्ट्री, ही की बात आ रही, तो ही के साथ आएगा हैज़ और ओन का हो जाएगा ओन्ड, owned, ओन, ठीक है। अब तीसरा है दोस्तों ही डैश इन द सेम क्लास फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, अब यहाँ ही हैज़ बिन स्टडिंग, अब मुझे कैसे पता कि यहाँ पर हैज़ बिन आएगा, क्योंकि यहाँ पर पिछले 3 सालों की बात हो रही है और ही डैश इन द सेम क्लास, अब सेम क्लास में है तो मुझे पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं पीछे से आगे तक की बात हो रही है, तो हैज़ बिन स्टडिंग, ठीक है। नीना डैश न्यूट्रियस फूड सिंस मॉर्निंग, नीना हैज़ नॉट इटन न्यूट्रियस फूड सिंस मॉर्निंग, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया, या फिर ये भी होता है यहाँ नॉट इट है ना, हाँ, तो यहाँ पर अब हैज़ नॉट बिन ईटिंग तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सुबह से ऐसा तो क्रिया है नहीं कि वो नहीं खा रही होगी, मतलब कंटिन्यू तो नहीं कर रही होगी, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने कंटिन्यूस ना लगा के प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा दोस्तों, नीना हैज़ नॉट ईटन, ठीक है, नॉट ईटन। फिर दोस्तों आखिरी है हमारा डैश फॉर 2 डेज नाउ, तो इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 डेज नाउ, यानी कि 2 दिनों से बरसात हो रही है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों ये थे हमारे एक्सरसाइज, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी, ठीक है। दोस्तों अब आपको करना क्या है, आप पूरी वीडियो देखनी है आपने, और मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा, मतलब मैं आपको ये भी सिखाऊंगा हाउ टू राइट, हाउ टू लर्न, हाउ टू स्पीक, सब चीज़ें सिखाऊंगा, बट ये है कि बने रहना है, ऐसा नहीं कि एक दिन वीडियो देख ली और आपको लगता है कि वीडियो गलत है तो आप नीचे बताइए, कमेंट कीजिए, अगर है इतनी हिम्मत कि भाई वीडियो आपकी गलत है, ठीक है, अगर मतलब वीडियो देखोगे तो ही तो पता चलेगा ना आपको कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, ठीक है। वैसे गलत कुछ नहीं है, बट हो सकता है प्रेजेंटेशन में कुछ गलत हो, ठीक है, कहीं कहीं वर्ड थोड़ी मिस्टेक हो गई थी वो गलत हो, या आप बोल सकते हो कि समझाने का तरीका सही नहीं, आप बोलो तो सही, सो दैट मुझे लगे कि हाँ भाई मैं इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूँगा, है ना, जब तक आप बोलोगे नहीं तो मैं कैसे इम्प्रूव करूँगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी था, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो इसका मतलब अब आप इस मेरी इंग्लिश की पूरी सीरीज़ भी ज़रूर देखोगे, ठीक है, अगर यहाँ तक पहुँच गए हो मतलब आगे आपको जाना है तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो, है ना। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहते हो कि आप जैसे कुछ और भी बच्चे ये इसको सीखें, तो आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।